अगली खबर में बात करते हैं कसरावत की, जहां विधायक सचिन यादव ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों पर आरोप लगाया है। कहा, भाजपा सरकार ने विकास कार्यों को ठप किया है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे कसरावत के विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है। यादव द्वारा NVDA गेस्ट हाउस कसरावत में पत्रकारों से चर्चा में अपने आरोप को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया है। विधायक सचिन यादव ने पत्रकारों को बताया कि कृषि मंत्री रहते हुए मैंने कसरावत में 2,91,21,000 रुपए की लागत से एक कौशल विकास केंद्र की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया था। अब भाजपा की सरकार ने किसानों के बेरोजगार युवा संतानों के रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। इस कौशल विकास केंद्र की स्थापना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसको लेकर मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में भी किसानों की आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने किसानों की आवाज को दबा दिया है। जिस प्रकार से 15 महीने के शासन काल के दौरान हमने कसरावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने सौगात देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो वर्तमान में जो सरकार पिछले दरवाजे से बैठी हुई, जिसने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं के अनुरूप ये सरकार नहीं का काम नहीं कर रही है, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारी कसरावत विधानसभा की जितनी विभिन्न योजनाएं हमने हमारे शासनकाल में स्वीकृत कराने का काम किया था, वो सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम आदरणीय साथियों किया है। मैं जब कृषि मंत्री था तो मैंने 12 महत्वपूर्ण सड़कें हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए हमने मंजूर कराई थी, और उस योजना में लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, निविदाएँ हो गई थी, एजेंसियाँ फाइनल हो गई थी। चूँकि मूल विभाग हमारा मंडी विभाग था, लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसी थी वो PWD थी। उस PWD विभाग को हमने लगभग 21 करोड़ रुपए हमें ट्रांसफ़र करने का काम भी आदरणीय साथियों किया था। सिर्फ काम शुरू होना था, लेकिन इस बीच जो सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन होने के आज लगभग 2.5 साल होने में आ रहे हैं। इन 2.5 सालों में उन योजनाओं को, जो लोगों से जुड़ी हुई योजना थी, उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम आदरणीय साथियों को विधानसभा में उठाया था आपने, वहाँ का क्या संतोषपूर्वक जवाब मिला या संतुष्ट है आप? अभी विशेष करके हमारी सड़कों की हम बात करें तो इन सड़कों को लेकर के पिछले दिनों जो हमारे विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था, उसमें हमने एक प्रश्न के माध्यम से, जिसका वीडियो जो है आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने इन योजनाओं को पुनः स्वीकृति प्रदान सरकार प्रदान करें, और हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों को राहत पहुँचाने का काम करें, इसके लिए हमने उस प्रश्न के माध्यम से हमने कार्रवाई करने का काम आदरणीय साथियों कहा था, जहाँ पर माननीय PWD मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था विधानसभा में कि हम पत्र लिख करके जो मूल विभाग है, मंडी विभाग जो है, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, उनको पत्र लिख करके जो राशि उनने वापस मांगी है, उस राशि को वापस मांगने का काम हम लोग करेंगे, और जो आपकी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उन सड़कों को पूर्ण करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पुनः जो है एक पत्र लिख करके जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने हमको दिया था, वो सारी जानकारी हमने जो है एक पत्र के माध्यम से माननीय PWD मंत्री जी को हमने भेजने का काम किया था। जो मार्ग है वो समस्या नासूर बन गई है, क्योंकि वो एक दो दिन का काम नहीं, काफ़ी लंबे समय हो गया उसको, और आप क्योंकि भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हैं, क्योंकि उसकी मंजूरी आपके पिताजी ने कर दी थी, तो क्या आप नए साल के जब उसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लेकर उसको तत्काल हल किया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग और हमारे साथी जो भी प्रयास होते हैं, वो प्रयास हम लोग काफ़ी समय से हम लोग कर रहे हैं, चाहे शासन स्तर ऊपर हो। हमने शासन को भी हमने कई बार पत्रचार के माध्यम से हमने उनको अवगत कराने का काम किया। हमने जिला प्रशासन को भी, हम लोग पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, वहाँ भी हमने उनको अवगत कराने का, तहसील स्तर पर भी हमने माननीय SDM महोदय को, हमारे साथियों ने कई बार जाकर के आवेदन किया। पिछले दिनों हमारे क्षेत्र के कुछ साथियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी वहाँ पर करा था। तो ये लगातार जो है हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय को, इस महत्वपूर्ण सड़क को लेकर के, यहाँ तक कि NTPC को
क्योंकि NTPC जो है अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो NTPC है, क्योंकि NTPC के जो भारी वाहन हैं जिनको हम सामान्य भाषा में कैप्सूल कहते हैं, वो भारी 70-80 टन के जो है वाहन जो है उस पर चल रहे हैं, और जिसके कारण जो है आज ये स्थिति हुई है। हमने पिछले दिनों SDM साहब से अनुरोध करके वहाँ पर भारी वाहनों का आवागमन को हमने बंद करवाने का काम आदरणीय साथियों किया, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का हल तभी हो पाएगा जब शासन जो है इस गंभीर विषय को जो है स्वीकार करेगी और उसमें तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करते हुए इस महत्वपूर्ण रोड को पूर्ण करने की दिशा में उसको इसके टेंडर करवाने का काम आदरणीय साथियों करें। हम यहाँ तक कि CRPF जो सेंट्रल रिजर्व फंड होता है, उस सेंट्रल रिजर्व फंड को भी हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई होते हुए हमको दिखाई नहीं दे रही। निश्चित रूप से क्षेत्र की फसलें ज़्यादातर खराब होने लगी है, इसके बारे में हमने पिछले दिनों जब क्षेत्र के सब बहुत सारे साथियों के हमारे पास फ़ोन आने लगे और हमने सब जगह हमारे साथियों से उसने जायज़ा भी लिया, सबसे बात भी करी, और वाकई में हमारे ये वर्षा के कारण जो है बहुत सारे हमारे क्षेत्र में हमारे किसान साथियों की फसलें ख़राब होने की जो है खबरें लगातार आ रही हैं। हमने जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिख करके भेजा है, कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है, राजस्व मंत्री को भी पत्र हमने लिखा है, और हमने उनसे अनुरोध करा है कि तत्काल प्रभाव से जो है आप इसका सर्वे करवाएं और सर्वे करा करके जो फसल नुकसानी हुई है और फसल नुकसानी की भरपाई करने का काम करें और उनको उचित मुआवजा देने का काम करें।